केलवाड़ा स्थित पार्क में लगी भीलू राणा की प्रतिमा शुक्रवार को क्षतिग्रस्त मिली। मूर्ति टूटने की सूचना मिलते ही भील समाज सहित कई अन्य संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर केलवाड़ा थानाधिकारी प्रवीण ठाक मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। जहां पर मूर्ति लगी है उसके पास ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी है। देर शाम तक जिस जगह मूर्ति लगी हुई थी उस जगह को प्रशासन ने लाल कपड़े से ढक दिया। बता दें कि केलवाड़ा पार्क में यह मूर्ति महाराणा प्रताप की जयंती पर लगाई गई थी। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे थे। प्रथम दृष्टया बंदरों की उछल कूद से ये प्रतिमा नीचे गिरने और टूटने की संभावना जताई जा रही है। सूचना मिलते ही SDM जयपाल सिंह राठौड़, तहसीलदार सज्जन राम चौधरी भी पार्क पहुंचे और इसकी जानकारी ली। पुलिस दूसरे एंगल से भी इस घटना की जांच कर रही है ताकि किसी भी तरह का संशय न रहे। मौके पर पहुंचे कुंभलगढ़ SDM राठौड़ ने लोगों की मदद से मूर्ति को सुरक्षित जगह रखवाया। साथ ही लोगों से कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है, सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह की अफवाह कोई भी न फैलाए। इस दौरान भाजपा नेता प्रेम सुख शर्मा, रजनीश शर्मा, किशन पालीवाल, किशन मेघवाल, खीमाराम सहित ग्रामीण वहां मौजूद थे। केलवाड़ा पार्क में मूर्ति टूटने की घटना के बाद देर रात तक प्रशासन और पुलिस आलाकमान मौका मुआयना करता नजर आया। रात 9 बजे कुंभलगढ़ डिप्टी नरेश कुमार के साथ SDM जयपाल सिंह राठौड़, थानाधिकारी प्रवीण टाक मौके पर पहुंचे और डिप्टी को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।